दिल्ली के अंदर किसी भी मंडल का कीर्तन मैं करूंगा, उसका जो भी चार्ज मैं लेता हूं वो मैं अपने घर लेकर नहीं जाऊंगा, ये आज वादा करता हूं। 20 सितंबर को पहला कीर्तन है जो आनंद शर्मा जी के थ्रू है, उस दिन से लेकर जितने भी कीर्तन होंगे और जो भी मैं लेता हूं वो सारा अमाउंट मैं आनंद जी से ही बोलूंगा, आनंद भैया से ही बोलूंगा कि वही अपने उनको ही मैं जिम्मा सौंपने के लिए उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि दिल्ली के जितने भी कीर्तन, मंडलों के जितने भी कीर्तन मैं करूं, उनका जो भी अमाउंट है मैं उनको सुपुर्द करूं, और दिल्ली के शाम प्रेमी मिलकर चाहे कोई चैरिटी बनाएं उसका, या किसी भी शाम भक्त, कोई भी असहाय, कोई भी मजबूर, किसी भी अस्पताल में, किसी भी स्टूडेंट, किसी भी काम आ सके, और जितना भी रुपया हो वो उसके यूज में आए। बहुत सी बातें हैं प्रेमियों, मैं किसी को भी किसी भी बात का कटाक्ष नहीं कर रहा आज, बहुत सी बातें हैं कि ये इतना ले रहे हैं। आज एक और बात और मन की शंका पूरे हिंदुस्तान के लोगों की दूर कर दे रहा हूं, खाली मैं एक ही बात, मैं किसी से कोई सवाल नहीं कर रहा, लेकिन चूंकि मन व्यथित है इसलिए ऊपर के कलाकार क्या ले रहे हैं ये तो देखते हम, लेकिन जो कलाकार 1100 लेकर गाने आ रहा है उसके घर में रात का चूल्हा जला के नहीं, ये कोई नहीं देख रहा। हाँ ये होता कि ऊपर के कलाकार इतना ले रहे हैं, उनके कटाक्ष की बात करें तो जो 1100 रुपये लेकर कीर्तन करने आ रहा है उसके घर में भी जाकर देखें, और हो सके तो उसको भी उस लायक बनाएं। मैं आज पूरे हिंदुस्तान के लोगों को बोलना चाह रहा हूं, मैं जो भी हिंदुस्तान में ले रहा हूं, आज के बाद जिस किसी भी कीर्तन में जाऊं, जो भी मेरा मेहनताना मैं सामने वाले लोगों को बोल रहा हूं, अगर उनको लगता है कि वो नाजायज है तो फैसला बाबा पर छोड़े, बाबा के सामने दो पर्ची रखें कि जो मैंने मेहनताना बोला है वो देना चाहिए या कुछ भी नहीं देना चाहिए। अगर उस पर्ची में आ जाए कि कुछ भी नहीं देना चाहिए, मैं सहर्ष बाबा का निर्णय समझकर वापस आऊंगा कि आज ये सेवा बाबा के लिए, बाबा के प्रेमियों के लिए। आज से लेकर जितने भी कीर्तन हैं, मैं एक निवेदन, हालांकि मैंने उन 3-4 श्याम प्रेमियों से उस दिन भी जो बात कही थी, मकसद यही था कि फेसबुक व्हाट्सएप पर बहुत से श्याम भक्त जो नए नए बनते हैं, जो सिर्फ अपना कष्टों के लिए जोड़ते हैं, उनको ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि श्याम जगत के अंदर में फेसबुक व्हाट्सएप पर बाबा के अलावा कुछ और भी बातें होती है। एक रिक्वेस्ट मैं आज श्याम भक्तों से और करना चाहता हूँ, मेरी औकात नहीं है फिर भी कर रहा हूँ मैं। कोई कुछ भी लिखता हो जो श्याम भक्त मुझे अपना समझकर मेरे फेवर में कुछ भी अनर्गल लिख रहे हैं, उनसे करवद्ध निवेदन, कोई कुछ भी ना लिखे, सारा फैसला बाबा पर छोड़ दे। मैं ना कोई राजनीति कर रहा, ना मैं किसी राजनीति में हूँ, ना मैंने कभी कोई मीटिंग की, ना मैं कहीं किसी मीटिंग के अंदर बैठता, मैं सीधा आता हूँ और सीधा जाता हूँ। हो सकता है मेरे कारण, हो सकता नहीं, शायद मुझे अब लग रहा है कि मेरे कारण बहुत से लोगों को तकलीफ हुई है, कई लोग कि आपने गलत फैसला लिया कि हमारे, हम कीर्तन सुनने वाले थे, आप बंद करने वाले कौन हैं। जिनको जो भी तकलीफ हुई उनके लिए तहे दिल से क्षमा प्रार्थी हूँ, और जो भी श्याम भक्त हैं, कोई भी उनको अगर इसमें राजनीति लगे तो मैं अपने बाबा पर छोड़ रहा हूँ। अगर मेरे इन विचारों के अंदर में कहीं कोई राजनीति हो, कहीं कोई गंदगी हो, तो उसकी सजा बाबा मुझे दे, उसका फैसला बाबा करे। इसके बाद भी अगर लोगों को कुछ राजनीति समझ में आए
तो मैं बाबा पर छोड़ता हूँ। आगे के जो भी कीर्तन मैंने लिए हुए हैं, अगर कोई श्याम भक्त ये चाहता है कि नहीं कराना तो मुझे फ़ोन पे इन्फॉर्म कर दे, वरना आज तक आज के बाद से जितने भी कीर्तन मैंने बोले हुए हैं, मैं उन कीर्तनों के लिए दिल्ली के जितने भी मंडलों के कीर्तन मैंने बोले हुए हैं उन कीर्तन को करने के लिए मैं तैयार हूँ। और जो भी पैसा उनका है मैं अपने घर लेकर नहीं जाऊँगा। जो भी अगर संस्था बन रही है मैं उन्हीं के ऊपर छोड़ रहा हूँ। जिस किसी भी कीर्तन में मैं जाऊँगा उनका नंबर उनके पास फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, जो भी अमाउंट देंगे वो डायरेक्ट वहाँ पर पहुँचा दिया जाएगा। और दिल्ली में, दिल्ली के बाहर के कहीं के भी कोई भी श्याम प्रेमी, कोई असहाय हो, उनकी जो सेवा आप करना चाहें वो आप करें, उसमें मेरा कहीं नाम भी नहीं आए न मैं चाहता। बस करवद निवेदन ये है कि ये जो भी बातें हुई हैं उसको अन्यथा ना लेकर अपने दिल से निकाल दें। जय श्री श्याम, श्याम प्रेमी जय श्री श्याम।